राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के फरीदाबाद आगमन को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है और तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। और इसी कड़ी में फरीदाबाद भारत जोड़ो यात्रा के जो संयोजक है, फरीदाबाद का संयोजक विजय प्रताप जी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता है, उन्हें बनाया गया है। सर, बहुत उत्साहित नजर आ रहा है फरीदाबाद और पूरी तरह से कांग्रेस के रंग में नजर आ रहा है। अब भाजपा भी कह रही है कि अचानक कैसे जाग गए कांग्रेसी, तो किस तरह से तैयारियां और फरीदाबाद राहुल गांधी के स्वागत के लिए किस तरह से तैयार है? देखिए, भाजपा तो आजकल अनर्गल बातें करने के लिए मशहूर हो गई और भ्रमित करने के लिए। कोई सोया नहीं था और ऐसे तो रात को सभी सोते हैं। कांग्रेस पूरी तरह से जागी हुई है अपने आप में। ये पूरी दुनिया में हिस्टोरिकल यात्रा है, पूरी दुनिया में इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है कि भाई ये एक सद्भावना यात्रा थ्रू आउट कंट्री निकल रही है, लेकिन भाजपा को ये हजम नहीं हो रही है। तो मैं उनकी बातों पे ज़्यादा नहीं जाना चाहता। जिस सद्भावना के लिए ये यात्रा निकाली गई थी कन्याकुमारी से, अब तक 3000 किलोमीटर से ज़्यादा राहुल गांधी जी चल चुके हैं। तकरीबन मेगा सक्सेसफुल रही है। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल यात्रा है दिलों को जोड़ने के लिए, सामाजिक सद्भावना को जोड़ने के लिए, और उसमें कामयाब। सर, अंतिम प्रारूप क्या यात्रा का फरीदाबाद आगमन को लेकर तैयार किया गया है और कैसे लोग वहां पर पहुंचे, इसके लिए व्यवस्था सुनिश्चित की गई है? देखिए, सभी को कम्युनिकेट कर दिया गया है हर माध्यम से, हर माध्यम जो संभव था। सारे शहर को, सारे इलाके को मालूम है राहुल जी आ रहे हैं, और गोरी गाँव से हम सवेरे 6:30 बजे स्वागत करेंगे। ये जो पॉइंट है, ये शाम का ऐतिहासिक गाँव पाली है, यहाँ से शाम की यात्रा 3:30 बजे शुरू होगी और यहाँ से डबुआ होती हुई गोल्फ कोर्स, दशहरा ग्राउंड, रोज गार्डन, बीके, नीलम, ओल्ड फरीदाबाद से फिर बड़कल फ्लाईओवर से पहले इसका गोपाल गार्डन में समापन होगा। उसके बाद मेवला मोड फैक्ट्री में राहुल गांधी जी रात्रि विश्राम करेंगे। सभी तैयारियाँ मुकम्मल हैं, चाहे उनके रहने की हों, खाने की हों, यात्रियों के खाने की हों, सब सुविधाओं का ख्याल रखा गया। हमारे वॉलंटियर साथ हैं, प्रशासन की जो टीम है वो भी सहयोग कर रही है, उनके साथ भी हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ताकि ट्रैफिक की व्यवस्था और सिक्योरिटी बड़ा चैलेंज है, सारी व्यवस्थाएं बनी रहें। मुझे उम्मीद है ये हिस्टोरिकल होगी। दीपेंद्र हुड्डा जी के प्रयासों से ये पहले यहाँ फरीदाबाद में नहीं आ रही थी, उनके प्रयासों से यहाँ आई है, तो हम इसको हिस्टोरिकल बनाने का प्रयास करें। सर, वर्ष 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए कितनी फायदेमंद साबित होगी ये यात्रा? देखिए, मैं इसको चुनाव के दृष्टि से नहीं देखता। जिस आत्मा के साथ ये यात्रा शुरू की, जिस भावना के साथ कि देश, पूरी दुनिया में ये मैसेज जा रहा है कि हिंदुस्तान में अब सामाजिक सद्भाव और भाईचारा, चाहे वो जाति, मजहब, क्षेत्र, भाषा के नाम पे हो, उसमें कुछ कमी आई। हमारे कांग्रेस के नेताओं ने आज़ादी के समय जैसे इस गुलिस्ता को एक किया था हिंदुस्तान को, 550 रियासतों को मिलाकर विभिन्न क्षेत्र, भाषा, बोली, मजहब, वो चीज़ उसमें कुछ कमी आई थी, उसको सुधारने के लिए राहुल गांधी जी ने दिलों को जोड़ने के लिए किया है और उसमें ये सफल हो रही है, हमें इस बात की खुशी। सर, जो दूसरे दल कांग्रेस में गुटबाजी की बात कहते थे, लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह से सभी कांग्रेसी किसी भी गुट के हों एक मंच पर नजर आ रहे हैं कि वो एक संदेश लोगों तक पहुंच गया है कि एक बार फिर कांग्रेस एक साथ है और वर्ष 2024 के चुनावों के लिए तैयार है। देखिए, ये तो एक यूनिवर्सल लॉ है, जब लीडर लीड करता है और मजबूती से लीड करता है, बढ़िया भावना से लीड करता है, तो सारी चीज़ें गौन हो जाती हैं, वो अब यहाँ संभव हो। सर, अंतिम सवाल, भाजपा ही कह रहे हैं कि राहुल गांधी की यात्रा कोरोना के मामले बढ़ा सकती है, इसलिए रोक दिया जाए। देखिए, भाजपा का तो ये प्रपंच कहना ही कहना है, उनके रोज रोज उनके कार्यक्रम हो रहे हैं, सारी दिक्कतें हो रही हैं, ये सिर्फ यात्रा की सफलता से परेशान होकर भाजपा ही। तो देखिए, हमारे साथ भारत जोड़ो यात्रा के फरीदाबाद के संयोजक विजय प्रताप मौजूद थे और निश्चित तौर पर जिस तरह से तैयारियों को अंजाम दिया जा रहा है, जो धरातल पर नेता और कार्यकर्ता है, उनके लिए बूस्टर डोज जरूर साबित हो रही है भारत जोड़ो यात्रा, ये कहा जा सकता है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस इस यात्रा का फायदा हरियाणा के आगामी विधानसभा चुनावों में कितना उठा पाती है और अपनी जो सीटें हैं उनमें कितनी वृद्धि करने में कामयाबी हासिल करती है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।